हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप लोग इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से आने वाली जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक के हजारों पदों पर नई भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जीडीएस महासचिव एसएस महादेवा जी के द्वारा आ चुका एक नया नोटिफिकेशन, जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, आप लोग आवेदन करते हैं लेकिन कहीं न कहीं कम परसेंटेज की वजह से आपका नंबर नहीं लग पाता, और जो आपसे ज़्यादा परसेंट वाले होते हैं, चाहे वो कितने भी दूर के काहे ना हो, आपके गांव या जिले के अंदर जॉब ले जाते हैं। उसी प्रॉब्लम का सलूशन मिल चुका है, नोटिफिकेशन आ चुका है। आपसे अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन केवल आपको ही आपके एरिया के अंदर जॉब मिलेगी। जैसे कि आप अपने गाँव के लिए आवेदन कर रहे हैं, आप अपने ज़िले के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो पहली प्राथमिकता आपको मिलेगी। नोटिफिकेशन बहुत ही शानदार है, इसके अंदर जो अपडेट है इस वैकेंसी को लेकर बहुत ही अच्छा। इसको देख लें, नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके सेव कर लें। कैसे और कहां से नोटिफिकेशन मिलेगा इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। वैकेंसियां कब तक में लाइव होंगी, क्या अपडेट है, उसको लेकर यह जानकारी भी आपके साथ में शेयर करेंगे। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, जेडीएस से जुड़ा हर एक अपडेट आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आपको जानकारी समय से मिल सके। उसके लिए आप लोग इस वीडियो को एक लाइक और आगे आने वाली वीडियो की अपडेट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। सारी चीजें आपको समझाएंगे, नोटिफिकेशन क्यों आया है, आगे चल के आपको इसके अंदर कौन से बेनिफिट मिल सकते हैं और इसके पीछे क्या प्रॉब्लम हुई कि ऐसा नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा। आइए चलते हैं आज के अपने मेन टॉपिक पर। तो दोस्तों, अभी आप लोग यहां पर देख सकते हैं हमारे सामने एक नोटिफिकेशन है जो कि इस डेट का है। आगे आपको चल के दिखाएंगे कौन सी डेट है। ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन, जिसको शॉर्ट में कहते हैं AIGDSU, की तरफ से नोटिफिकेशन है और नोटिफिकेशन का टॉपिक भी है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं ग्रामीण डाक सेवक ऑनलाइन स्थानीय क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए नियुक्ति के संबंध में। इसका मतलब ये हुआ कि स्थानीय क्षेत्र, जैसे आपका अपना गाँव है, आपका अपना जिला है, वो आपका स्थानीय क्षेत्र कहलाएगा। वहाँ आवेदन करने पर आपको पहली प्राथमिकता मिलेगी, बाहर वालों को बाद में वहां पे जॉब देखने को मिलेगी। इससे क्या फायदा होगा इसको समझिएगा। पूरी की पूरी जो यहां पे प्रॉब्लम है वो समझाया गया है, उसका सलूशन भी यहां पर बताया गया है। आ गई बहुत ही बड़ी खुशखबरी। आप लोग बहुत समय से कह रहे थे कि हमारे गाँव में आती है जॉब, हम अप्लाई करते हैं लेकिन बाहर वाले जॉब ले जाते हैं, हमको अपने जिले के अंदर जॉब नहीं मिलती, कम परसेंट पे जॉब नहीं मिलती, बाहर वाले आके ज्यादा परसेंटेज पे हमारे यहाँ की जॉब ले जाते हैं। अब उसकी प्रॉब्लम का जो सलूशन वो मिल चुका है। 10th पास वैकेंसी है, ध्यान रखिएगा 40,000 से भी ज़्यादा पदों पर इस बार वैकेंसियाँ रहेंगी, अपने ही गांव में नौकरी मिलेगी। ये चीज़ें कैसे क्लियर होंगी इसके बारे में बताएंगे। जीडीएस महासचिव की तरफ से अपडेट है और आपके जितने भी सवाल इस वैकेंसी को लेकर हमने नोट डाउन किए हुए हैं, जैसे ही हम ये नोटिफिकेशन आपको रीड करके बताएंगे उसके बाद आपके सवालों के जवाब भी आपको स्पीडो में मिलेंगे। कंप्लीट पैकेज है जीडीएस न्यू अपडेट के लिए, ये वीडियो आप सभी को आखिरी तक जरूर देखना है। पहले हम लोग नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं। आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर दिया गया, तो आप सभी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि naukrikhabar.com है वहां से जाके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है। डेट आप लोग देख सकते हैं, हाल ही का नोटिफिकेशन है 24/04/2024। और यहाँ पे देखिए ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन AIGDSU सेंट्रल हेडक्वार्टर और यहाँ पे पदम नगर करके दिल्ली की तरफ से नोटिफिकेशन है। जीडीएस सेवा में डाक महानिदेशक, डाक भवन न्यू दिल्ली। विषय देखिएगा ग्रामीण डाक सेवक नियुक्ति में ऑनलाइन स्थानीय क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए नियुक्ति के संबंध में। पूरी जानकारी आपको देते हैं, उसके बाद विषय के बारे में आपको अपने आप जानकारी समझ में आ जाएगी। एक बार मैं इसको पढ़ देता हूं ताकि आप लोग सुन लें, उसके बाद हम जो है तो क्या कहना चाहते हैं ये उसके बारे में बात करते हैं। उपरोक्त विषय के संबंध में ग्रामीण डाक सेवक की ऑनलाइन नियुक्ति भाषा के आधार पर दिया गया जा रहा है, परंतु हिंदी भाषी प्रांत में बहुत बड़ा क्षेत्र है एवं इनकी भौगोलिक परिस्थितियां भिन्न भिन्न हैं। हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों एवं आदिवासी जनजाति क्षेत्र में मैदानी क्षेत्र के अभ्यर्थियों को कार्य करने में कठिनाई उत्पन्न हो रही, जिससे वहां पर नियुक्ति वरिष्ठ ग्रामीण डाक सेवकों पर कार्य का दबाव बढ़ रहा एवं विभाग द्वारा उनके स्थान एवं एवजीदार नहीं दिया जा रहा। इस पर सोचने की जरूरत है, स्थानीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाए, जिसके लिए भाषा के साथ साथ स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों को
मध्य ध्यान में रखते हुए आगे नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव की आवश्यकता है। अतः आपसे निवेदन है कि इस संगठन के द्वारा पहले इस संबंध में बहुत बार सुझाव दिए गए हैं, इस पर ध्यान देते हुए अगली नियुक्ति में बदलाव करने का कष्ट करें। अगली नियुक्ति का मतलब ये है कि आने वाली जो भर्तियाँ हैं उनमें जब भी ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा उसके अंदर ये बदलाव किए जाएंगे। देखिए, ये बदलाव अभी पारित नहीं हुआ है, सुझाव कई बार दिए गए हैं, लेकिन अब जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई हैं उनको देखते हुए जो भी यूट्यूब के अंदर वीडियो वायरल हुए हैं जहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र हैं, नॉर्मल स्थान के लोग जाते हैं पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर, चढ़ाई नहीं कर पाते हैं और उतना उनको पैसा नहीं मिल पाता कि जिससे वो अच्छे से सुविधा क्षेत्र के अंतर्गत आके काम कर सकें, उसी को मद्देनजर रखते हुए ये सारे बदलाव किए जा रहे हैं। अगली नियुक्ति यानी जो नई भर्तियाँ आएंगी उनके अंदर ऐसा बदलाव होगा। अब थोड़ा समझिएगा बदलाव क्या है। बदलाव ये है कि हिंदी भाषा को मद्देनजर रखते हुए बहुत सारे जगहों के अंदर आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है, लेकिन वो जगह ऐसी हो सकती है जहाँ पर्वतीय क्षेत्र हों, आदिवासी क्षेत्र हों, और हिंदी भाषी प्रांत एक बहुत बड़ा क्षेत्र आता है और लगभग अगर 22 से 23 स्टेट के अंदर ये भर्तियां आ रही हैं तो आप मान के चलिए कि 17 से लेकर 18 ऐसी जगह होंगी जहां हिंदी वाले क्षेत्र हैं जहां आप आवेदन कर सकते हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट ही क्यों ना हो। नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी कुछ ऐसी जगह हैं जहां पे हिंदी भाषा बोली जाती है, वहां भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो कुल मिला के इनके कहने का मतलब ये है कि अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आपको जानकारी नहीं है कि आदिवासी अपने क्षेत्र में कैसे रहते हैं, हिमालय या पर्वतीय क्षेत्र वाले लोग कैसे वहाँ पर अपना जीवन यापन करते हैं, तो आप वहाँ पर जाकर काम नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर आपको ही समस्या आएगी। भले ही आपको लोकल लैंग्वेज का नॉलेज हो, आप उनकी भाषा तो बोल लेंगे लेकिन वहाँ पे आप काम नहीं कर पाएंगे। वहाँ समय समय पर बारिश होती रहती है, वहाँ का मौसम भिन्न होता है, वहाँ की जलवायु अलग होती है, वहाँ पर्वतीय इलाके होते हैं, अलग अलग तरह का वहाँ पेड़ पौधा वातावरण, सारी चीज़ें, लोग होते हैं। तो इनको कहने का मतलब ये है कि आप केवल उन्हीं क्षेत्रों में आवेदन करें या फिर आपको केवल उन्हीं क्षेत्रों के अंदर प्राथमिकता मिलने वाली है जहाँ पे आप का नियर बाई होम टाउन, होम डिस्ट्रिक्ट, होम स्टेट होगा। अब ये इनके ऊपर है कि क्या ये एक स्टेट को देख करके प्राथमिकता देते हैं यानी राज्य को देख करके, या फिर ये केवल एक डिस्ट्रिक्ट यानी एक ज़िले के लोगों को देख के प्राथमिकता देते हैं, या फिर ये गांव-गांव को देखकर नियर बाई अपने जो है तो होम टाउन के अंदर प्राथमिकता देते हैं, इसके बारे में अभी हम नहीं कह सकते। लेकिन ये बहुत अच्छा बदलाव है, अगर ये पारित हो जाता है इससे आपकी एक मुसीबत दूर हो जाएगी। जो भी बाहर वाले कैंडिडेट आते हैं, दूसरे राज्यों के कैंडिडेट आते हैं या दूसरे ज़िले से आके आपके ज़िले में, आपके गाँव में आवेदन करके आपकी सीट को ले जाते हैं, आपका परसेंट कम होता है वजह से आपको जॉब नहीं मिलती, तो अगर ऐसा ये प्रस्ताव पारित हो जाता, मैं तो कहता हूं कि नियर बाई विलेज या नियर बाई कम से कम डिस्ट्रिक्ट तो ये पारित कर ही दें कि एक डिस्ट्रिक्ट में ही आपको जॉब मिलेगी, आप केवल वहीं पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा बहुत ज़्यादा चांस होगा कि आपको अपने गाँव ज़िले के अंदर सरकारी नौकरी देखने का फ़ायदा मिलेगा। तो हमने नए नोटिफिकेशन के बारे में बात कर ली, अब थोड़ी सी नई भर्तियों के बारे में बात करते हैं। आपको पता होगा कि अभी लोकसभा के इलेक्शन चल रहे हैं जिसका परिणाम रिजल्ट आपको 4 जून 2024 को देखने को मिल जाएगा। 4 जून के बाद फिर कोई बंदिश नहीं रहेगी, कोई बाउंडेशन ना रहेगी कि ये वैकेंसी ना आए। और आपको पता होगा कि कई सारी जो GDS से प्रमोशन वाली वैकेंसियाँ हैं उनका नोटिफिकेशन भी आ चुका है और उनके जो ऑफिशियल मॉडल नोटिफिकेशन है, फुल नोटिफिकेशन, वो भी 7 जून 2024 से आना शुरू हो जाएंगे। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि GDS की ये वैकेंसी जो कि जनवरी महीने में आ जानी चाहिए थी, किसी कारणवश नहीं आ पाई। इसमें सबसे मेन मुद्दा हम इलेक्शन मान के चल रहे हैं, तो अभी ये जो है तो आपको जून के महीने में 4 जून के बाद कभी भी देखने को मिल सकती है। ऐसा होता है तो आपको आवेदन करना है और अपने नियर बाई डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आवेदन करना है, ताकि अगर प्राथमिकता वाला सिस्टम लागू होता है तो पहले आपको ही प्राथमिकता मिले और आपको अपने नियर बाई होम टाउन के अंदर जॉब देखने को मिले। अगर किसी के मन में डाउट है कि इस वैकेंसी के लिए एग्जाम देना होता, तो बिल्कुल भी नहीं, किसी भी बिना एग्जाम के आपका सिलेक्शन केवल और केवल मेरिट के आधार पर किया जाता है। 40,000 से ऊपर वैकेंसियां देखने को मिलेंगी, 10th पास यहां पर मांगा जाता है। 2 चीजें एडिशनल में आपको बनवानी होती हैं, जैसे ही आपका नाम आता है या फिर उससे पहले आप बनवा सकते हैं अगर आपके अच्छे परसेंट है। पहला लिस्ट जब आता है उसको देख के पता चल जाता है कितना कट ऑफ अगली लिस्ट में जाएगा, उसकी सारी अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेगी। तो 2 डॉक्यूमेंट, एक तो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होता है गवर्नमेंट डॉक्टर के द्वारा, और एक आपका 60 डेज का यानी 60 दिनों का कंप्यूटर सर्टिफिकेट, अगर आपने कभी भी कॉलेज या स्कूल के अंदर कंप्यूटर
एज अ सब्जेक्ट पढ़ाई नहीं की है। तो ये दो चीज़ें, बाकी आपका निवास प्रमाण पत्र लगता है, कास्ट सर्टिफिकेट लगता है अगर आप अपने ही राज्य के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो स्टेट का, और अगर दूसरे राज्य के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना पड़ता है। 18 से 40 साल वाले कैंडिडेट आवेदन करते हैं, छूट के साथ में आपको 45 साल तक अलाउ किया जाता है। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन होता है। जनरल ओबीसी को 100 रुपये फीस पे करनी पड़ती है, बाकी बचे हुए कैंडिडेट बिल्कुल फ्री में आवेदन कर पाते हैं, और जस्ट आवेदन करने के एक महीने के बाद आपकी मेरिट आना शुरू हो जाती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर लगभग 8 से 10 तरह के टोटल डॉक्यूमेंट यूज होते हैं, जिनके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप सभी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और ऐसे ही टॉपिक्स पे आगे भी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।